हेलो गाइस, और आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सॉरी मैं अपना इंट्रो बोलना तो भूल ही गया। ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्लाउनफिश रिबॉर्न कोर्स। और आज के इस वीडियो में आप जो है जानने वाले हो कि कैसे जो है हम सीवीवी फाइल्स जो है बना सकते हैं अपने इंजेक्टर के लिए, एंडलुआ या फिर स्केचवेयर दोनों ही इंजेक्टर में जो है ये वर्क करने वाला है। और आने वाले वीडियोज़ में तो आप जानने ही वाले हो कि एंडलुआ से भी इंजेक्टर और जो है स्केचवेयर से भी इंजेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सीवीवी फाइल मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आया था, आप में से किसी ने बोला था मेरे को कि सीवीवी बनाओ जल्दी से जल्दी, तो मेरे को ये बनाना पड़ गया, ठीक है। सीवीवी के बारे में आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, सीवीवी जो है बेसिकली C++ कोड होता है, ठीक है। मैंने जो था आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था सबसे स्टार्टिंग में, एक APK मेकिंग ट्यूटोरियल फर्स्ट में, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग जो है इनमें लिखने का मेथड होता है, वैसे ही ये जो है उन्हीं में से आता है हमारा सीपीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है C++। ये वही वाला प्लस है जो हम अपने मैथ में एज अ एडिशन यूज़ करते हैं। तो C++ इस लैंग्वेज का नाम है, और इसका यूज़ करके जो है अभी हम क्या करेंगे, मेमोरीज़ को जो है मोड करेंगे, ठीक है। पबजी मोबाइल के जो है फेर बदल कर सकते हो आप, जो है घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, जो हम सेम काम गेम गार्डियन से करते थे। इसका एक एडवांटेज होता है कि ये जो है फास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा गेम गार्डियन के अपेक्षा में, तो हम जो है इसका अब जान लेते हैं कि कैसे बनाना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपने अगर मेरा जो है फास्ट एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप जो है एक सेकंड इसको जो है मैं वेरीफाई करता हूं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है मेरा फास्ट एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट वाला जो है वीडियो नहीं देखा है, कौन सा वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको CPP बनाना सीखने के लिए आप जो है क्या करो, सबसे पहले तो मेरा ये वाला वीडियो देखो, ये जो रहा कहाँ गया यहाँ पे, ये जो वीडियो है इसको आप जो है सबसे पहले जो है मेरा देख लो। CPP बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। इसमें मैंने बताया कि ऑफसेट कैसे निकालते हैं और कैसे जो है मतलब जो है आपको जो है इसमें से बहुत सारी चीज़ों की जो है नॉलेज हो जाएगी CPP बनाने के लिए। तो मेक श्योर टू वॉच दिस, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, और उसके बाद अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो अब आपको क्या आपके पास एक चीज़ होगी, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है हमने एक XS स्क्रिप्ट बनाया था उस वीडियो में, ठीक है। XS स्क्रिप्ट जो है फास्ट एग्जीक्यूशन वाली स्क्रिप्ट होती है, और इसमें आप देख सकते हो इसमें जो है आपका ये जो सेम कोड है CPP के लिए जो है यूज़ होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जो है ये वाली स्क्रिप्ट बना रखी है अपनी क्लाउनफिश प्राइवेट नेम से, ठीक है। और इसमें जो है सब कुछ है, मतलब सारे के सारे कोड्स हैं, ठीक है, CPP के लिए। तो CPP में आप लोग को सेम जो है ऑफसेट चाहिए होंगे, और जो है आपका वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले मेरा वो वाला वीडियो देखो, और क्या करो, वीडियो देख लिया आपने तो अब आपको क्या करना है, जिस भी फीचर का आपको जो है CPP बनाना है, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा आप, ठीक है, अच्छे से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से समझना है ये चीज़ आपको, ठीक है। तो जिस भी कोड का आपको जो है CPP बनाना होगा उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका आप जो है इस तरीके से जो है सबसे पहले क्या निकाल लो, उसका वैल्यू निकाल लो इस तरीके से। ये सब मैंने बताया था अपने वीडियो में, उस वाले वीडियो में, ठीक है, कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उसके बाद आपको जो है उसके ऑफसेट्स निकालने हैं, ये वाला आप देख लो इस तरीके का, ये जो ऑफसेट है और ये वाला जो ऑफसेट है, जैसे कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे एक और ऑफसेट है, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप जो है दो ऑफसेट्स निकाल लो अपने वैल्यू का इस तरीके से, और एडिट वैल्यू तो आपके पास होगी ही, ठीक है, ये आपका एडिट वैल्यू आता है, ठीक है, ये जो है हमारा एडिट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको जो है, या तो आप क्या करो, सेम टू सेम आप एक एक्सेस स्क्रिप्ट बना लो, ठीक है। एक्सेस स्क्रिप्ट में आप ऐसा कोड भी रख सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर आप आपको जो है समझ में नहीं आया तो, लेकिन उस वीडियो को आप अच्छे से देखो, और उसके बाद जो है जिस भी कोड का आपको CPP बनाना है उसका जो है ये सब निकाल लो। उसमें मैंने बताया कि ये सब जो है कैसे निकालते हैं, तो आप देखना मत भूलिएगा। सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जो है लगभग मेरे को उस टाइम पे वो वीडियो गया था 50 मिनट्स और समथिंग, या फिर 1 आवर तक का गया था, तो वो सेम चीज़ मैं फिर से नहीं करना चाहता आप लोगों को जो है। मेरा भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं टाइम और वर्क जो है बचाना चाहता हूँ, और आप लोगों का भी जो है टाइम बचाना चाहता हूँ इस वीडियो में,
और बहुत से लोगों ने उसे देखा भी था, सब ऑलमोस्ट जो है आप सबने देखा होगा कि कैसे जो है एक फास्ट एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट बनाते हैं। नहीं देखा तो जाओ, और ये वाला जो है वीडियो है आप देख लो, सबसे लास्ट में है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे जो है होस्ट मेकिंग के ऊपर सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसे देखना मत भूलना, इसे एक बार देख लो, और उसके बाद अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब आपको जो है कुछ फाइल्स की ज़रूरत होगी CV बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे दो एप्लीकेशन, सबसे पहले यानी कि एक एप्लीकेशन ही चाहिए होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है CV बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को कुछ फाइल्स चाहिए होंगी और एक APK। ये फर्स्ट जो APK है वो है बेस कन्वर्टर, ठीक है। ये तो खैर हमको जो है ऑफसेट निकालने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और इसका यूज़ करना अगर आपको सीखना है तो वही मेरा जो एक्सेस स्क्रिप्ट वाला वीडियो है वो आप सबसे पहले देखो, इसकी आपको नीड पड़ेगी, ठीक है, ऑफसेट वगैरह निकालने के लिए। और उसके बाद अगला है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू डॉट CPP। ये जो है बेस CPP है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, जिसका जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इन सबको, ठीक है। और अगला है आपको चाहिए होगा memoryTools.h। memoryTools.h क्या है, इसके अंदर जो है बेसिकली जो है आपके जो है मेमोरी एडिटिंग के लिए जो है कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम सिंपली जो है कॉल करके अपने CVV के अंदर जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका यूज़ करके जो है हम मेमोरी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी एडिटिंग के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है, हाउ गेम हैक वर्क्स, इन सब के बारे में। तो उन सबको आप जो है अच्छे से जो है जाकर एक बार देख लो, और वो जो है एक तरीके से जो है बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया हो जिन्होंने देखा है। और तो यहाँ पे बस इतना ही बकवक, और ये चाहिए होंगे सबसे पहले ये दो फाइल्स और ये APK, तो आपको जो है ऑफसेट निकालने के लिए चाहिए होगा। और अब आपको चाहिए एक ऐप जिसकी मदद से आप जो है CPP लिखोगे, CPP को जो है कंपाइल करोगे, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करोगे। कंपाइल क्या होगा, ये कंपाइल क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐप दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जो है सिंपली बेस कन्वर्टर को जो है इंस्टॉल कर लो। और ये जो है मैं क्या करूँगा, इन फाइल्स को आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल में एक zip फाइल के अंदर जो है डाल के दे दूँगा, ठीक है। इसमें जो है सारे के सारे जो है टूल्स होंगे CVV के लिए। अब मैं आप लोगों को जो है अगला चीज़ दिखाता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है एक ऐप जिसका नाम है C4Droid। उसके बाद जो आपको चाहिए होगा वो है C4Droid, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है एप्लीकेशन C4Droid, इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। ज़िप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मैं ज़िप दूंगा उसको, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना तो आप सबको आता होगा, सिंपली टैप करके जो है इंस्टॉल कर लेना है इसको, ठीक है। इसे इंस्टॉल करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इसके साथ आपको जो है दो और सेम C4Droid नाम के जो है एप्लीकेशन मिलेंगे, वो जो है क्या है सिंपल, इसके जो है प्लगइन्स है जिसकी हमें जो है ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे CVV फाइल को जो है बनाने के लिए, ठीक है। C4Droid इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको जो है ये GCC प्लगइन, इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है, या फिर किसी को भी करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आप बस उसको जो है इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है GCC को भी जो है इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जो है जो लास्ट वाला SDL प्लगइन है इसे भी आपको जो है सेम मेथड से जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली आपको जो है C4Droid खोल लेना है कुछ इस तरीके से, और अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो सिंपली आपको जो है इंस्टॉल के बटन पे जो है टैप करना है, और इसको जो है वेट करना है इंस्टॉल होने का। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, सब कुछ। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ से जो है कुछ आपको जो है ट्विक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको करना है वो है रन प्रोग्रामर्स रूट, इस पे जो है चेक करना है, ठीक है। पूरा आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, और ये जो रन प्रोग्रामर्स एस रूट है इसे जो है चेक कर लेना है, ठीक है। और अब जो है आपको एक और करना है, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है,
यानी कि जो है मैंने जो है अभी अच्छे से जो था वहाँ पे मेरा जो था मिसस्टेप हो गया था, और वो जो था इंस्टॉल होने से जो था रह गया था। तो मैं क्या करूँगा, इनको जो है सिंपली इस पे टैप करके जो है इंस्टॉल कर लूँगा। सिंपली आप उस पे टैप करो इस तरीके से, ठीक है। मुझसे जो था मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण जो था सही से मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो अब जो है इस तरीके से अब आपको क्या करना है, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है सही से इसको जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको जो है क्लियर ऑल डेटा कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे रीओपन करूँगा, और यहाँ पे अब जो आ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं जो है सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, 100% नहीं होता, तो आप जो है कर सकते हो, नहीं तो मत करना, कोई मतलब का नहीं वो। और अब जो है हम जाते हैं वापस से प्रेफरेंसेस में। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है सेम मेरे साथ मेरे जैसा जो है क्लियर डेटा करके करो। मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि सही से जो है इंस्टॉल नहीं हुआ। अब आप जो है सिंपली रन प्रोग्राम एस रूट, इसको जो है चेक कर दो, एंड दैट्स इट। अब आपको जो है अपना CV बनाना जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सिंपली ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ये जो ओपन का जो बटन है इस पे जो है टैप करना है, और यहाँ से सबसे पहले आपको जो है एक बेस वैल्यू जो है और उसे, और मैंने जो था आप लोगों को जो मेमोरी टूल्स डॉट एच दिया था, उसे आपको जो है यहाँ पे ओपन करना है, ओपन के बटन पे दबा के, ठीक है। कहाँ गया, फाइल्स फॉर CVV, एक सेकंड में जो है उसे ढूंढ लेता हूँ। तो मेरे को मिल गया है, इस फोल्डर के अंदर मैंने रखा था फाइल्स फॉर CVV, इस वाले फोल्डर के अंदर मैं आऊँगा सिंपली। और यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है मेमोरी टूल्स डॉट एच पे जो है टैप करना है, और सेलेक्ट के बटन पे जो है टैप करना है। और अब आपको जो है फिर से ओपन के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको बेस वैल्यू डॉट CVV को भी जो है ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब जो है मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ कि CVV में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, और ये सब जो है क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हैशटैग इंक्लूड मेमोरी टूल्स डॉट एच, यानी कि इसका मतलब है, यानी हम जो है क्या करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम जो है एक्सपोर्ट होगा CVV, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है मेमोरी टूल्स डॉट एच को इंक्लूड, यानी क्या होता है, सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि शामिल करना होता है। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम सिंपली उसको जो है इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि जो है हमें इसे, जब इंक्लूड कमांड जो है किस लिए यूज़ होता है, जब हमें किसी चीज़ का जो है यूज़ करना होता है, या फिर एक डिफरेंट स्क्रिप्ट का जो है यूज़ करना होता है हमें अपने मेन स्क्रिप्ट के अंदर, तो जो है हम हैशटैग इंक्लूड जो है डालते हैं। और यहाँ से NGS के बाद जो है हमारा जो है CVV स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो है पैकेज नेम, पैकेज नेम यानी कि जो है हमारा जो है पैकेज नेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BM के एक वेरिएबल पे जो है सबसे पहले तो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैकेज नेम में आपके जो है PUBG का जो है पैकेज नेम आएगा। सपोज़ यहाँ पे देखो, मैं PUBG ग्लोबल के लिए जो है CVV बना रहा हूँ, तो यहाँ पे com.tencent.ie डाला हुआ है, ठीक है। सपोज़ आप जो है अगर KR या फिर PUBG लाइट के लिए जो है CVV बना रहे हो, तो इसको आप बदल के सिंपली com.pubg.kr, या फिर आपका जो PUBG का जो भी जो है पैकेज नेम है उसे आप डाल देना, ठीक है। तो अभी ले इसको जो है मैं सिंपली com.tencent.ig रहने देता हूँ। अगला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है बाईपास गेम सेफ, तो इसको आप जो है कुछ भी डाल सकते हो। बाईपास गेम सेफ यहाँ पे ये जो है सिंपली फंक्शन है, फंक्शन जो है ये सेम फंक्शन है जो हम लुआ पे जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली ग्रुप करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि यूज़ होता है। और अब जो है अगला आपका मेन आता है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, सेट सर्च रेंज, ठीक है। ये सेट सर्च रेंज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो गेम गार्डियन में हमारा क्या होता है, जो मेमोरी रीजन होता है, मेमोरी रेंजेस जो हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि होता है एक एनोनिमस, बी बैड डेंजरस, ये सब जावा हीप सी और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे आप लुआ में, इस लुआ स्क्रिप्ट में क्या करते हो, सिंपली gg.setRegion डालते हो, और उसके बाद जो रीजन आपको जो है सेट करना है वो डाल देते हो। लेकिन यहाँ पे जो है अलग है, यहाँ पे आप सिंपली जो है इसमें आपका जो है रीजन आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे जो है मेमोरी सर्च BM, ठीक है, यानी कि जो है BM जो हमारा पैकेज नेम है उसके अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे जो मेमोरी सर्च होगा वो होगा यहाँ पे। अब आपका जो है आता है स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है, जैसे कि मैं एक जो, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक जो है आपको एक
कोड को जो है यहाँ पे सीवी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक जिस कोड का भी जो है सीवी बनाना चाहते हो उसका जो है क्या कर लो, एक एक्सेस स्क्रिप्ट बना लो, ठीक है। और एक्सेस स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप जो है मेरे उस वीडियो को सबसे पहले जाके देखो, तभी आपको जो है समझ में आएगा कि कैसे जो है बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा माइल हुआ, और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले सीवीपी जो है इसका बना के दिखाऊंगा, लेस रिकॉइल का, ठीक है। ये फंक्शन एलआर जो है लेस रिकॉइल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है यही जो है हमारा मेन जो है सर्च वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो है सिंपली कॉपी कर लेते हैं, और इसका जो टाइप है 16 है। तो ये जो है एक तरीके से जो है ये सब जो है हमारा किस में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये एक्सेस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि जो मेमोरी है, ये जो हमारा रीजन है वो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है टाइप जो है 16 लिखा हुआ है। 16 टाइप बेसिकली आपका होता है आई गेस फ्लोट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका जो मेमोरी सर्च BM है, इसमें आपका जो है मेन वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें आप जो है सिंपली अपना मेन वैल्यू जो है डाल दो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है सेट सर्च रेंज, इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेट सर्च रेंज में आपका जो है आएगा मेमोरी रीजन, जैसे कि यहाँ पे जो है 8 है इसके लिए लेस रिकॉइल के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले एक्सेस हेल्पर जो हमारा टेक्स्ट फाइल है ये आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। एक मैंने सोर्सेज डॉट zip अपलोड की थी, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो पता होगा, उसके अंदर ये सब है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 8 किसके लिए यूज़ हो रहा है, रीजन सी डेटा, ठीक है। तो अब आपको उसमें डालने के लिए क्या चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेमोरी टूल्स डॉट h के अंदर आना है, और यहाँ पे आप देखोगे इनम रेंज, ठीक है। इसके अंदर जो है रीजन्स के नेम है जो कि आपको यूज़ करना है, ठीक है, सीवी बनाने के लिए। जैसे कि वहाँ पे जो था सी डेटा था, तो यहाँ पे हम सी डेटा को जो है सिंपली क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये जो है कॉपी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभार जो है ग्लिच हो जाता है। तो सी डेटा को जो है हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, सेलेक्ट करके कॉमा हट जा। और अब आपको जो है सिंपली ऊपर जो कॉपी का बटन है इस पर दबा के जो है आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जो है सेट सर्च रेंज है इसमें जो है आपको अपना रीजन डाल देना है, जिस भी रीजन के लिए आप जो जो भी आपके कोड में रीजन है, जिस रीजन के अंदर जो है आपका वैल्यू सर्च होगा, ठीक है, उसको आपको सिंपली इस तरीके से जो है सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और अब आपको जो है सिंपली ऑफसेट्स यहाँ पे डालने हैं, और उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे एंड GS D1, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके वेरिएबल कौन सा है ये सर्च करने के लिए, ये आपको डालना है यहाँ पे, जैसे कि फ्लोट D1 या फिर जो भी है आपको सिंपली इसको टाइप कर देना है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 16 था इसके सामने, वो होता है फ्लोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो 16 जो है फ्लोट के लिए होता है, जो कि हमारे एक्सेस स्क्रिप्ट में था, आपने अभी देखा होगा। तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं क्या करूँगा, फ्लोट लिख दूंगा, ये वैल्यू जो है फ्लोट में है। अगर आपका जो है वैल्यू जो है D-word में होता है तो आप D-word भी डाल सकते हो, ठीक है। ये ढूंढने के लिए आपको जो है इनम टाइप के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे कि ये जो है फ्लोट है, यहाँ पे देख लेता हूँ, फ्लोट तो याद रहेगा तो मैं कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मेरे इंग्लिश व्यूअर्स भी हैं उनके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, ताकि उन लोग को भी जो है थोड़ा अच्छे से जो है समझ में आ जाए। और अब जो है मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो D-word है इसके जगह ये जो है वैल्यू जो है फ्लोट में है, तो मैं सिंपली इसको इरेज कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अब जो है पेस्ट करते हैं इसको, और ये हो चुका है, ठीक है। और अब जो है सिंपली हमें ऑफसेट्स डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये ऑफसेट क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऑफसेट आप जो एक्सेस स्क्रिप्ट में के अंदर जो हमने ऑफसेट निकाला था उसी को यहाँ पे आपको डालना है सेम, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा हमारा एक्सेस स्क्रिप्ट, वैल्यू ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो LV यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो है आपको, आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा मेरे एक्सेस स्क्रिप्ट वाले को, तो आपको पता होगा कि ये जो है हमारा ऑफसेट है, ठीक है, सबसे पहला वाला ये ऑफसेट है, ठीक है। तो इसे आपको सिंपली कॉपी करना है यहाँ पे, और
मेमोरी ऑफसेट को जो है यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब इसको जो है सिंपली पेस्ट करते हैं। और अगला जो है -4, ये जो है हमारा सेकंड ऑफसेट है, जो सेकंड वाला जो है ऑफसेट है, इसको हम यहाँ पे जो है चेंज करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। और इसके बगल में जो ऑफसेट लिखा हुआ है इसे जो है हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और टाइप इसका जो है 16 है, यानी कि जो है फ्लोट है, तो उसको भी हम जो है चेंज कर देंगे सिंपली 32। एंड जीएस यहाँ पे डी वर्ड को जो है सिंपली फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट। और अगला जो है सेम आपको जो है सेम करते जाना है यहाँ पे, जो भी आपका फ्लोट जरूरी यहाँ पे अगर आपको जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, अगर आपका वैल्यू जो है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर आपका जो है वैल्यू अगर फ्लोट में है तो फ्लोट डालना है, यहाँ पे डीवर्ड है तो डीवर्ड, या फिर कुछ और में है, कुछ और टाइप में है तो आप उसको सिंपली यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगला मैं जो है इस वाले ऑफसेट को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेम है जैसे हमारा एक्स स्क्रिप्ट बनता है वैसे ही है, कुछ और ज़्यादा जो है खास चीज़ नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। सीवी बनाना सेम है एक्स स्क्रिप्ट बनाने जैसा, या फिर जो है सेम एक्स स्क्रिप्ट ही है ये भी, सेम उसी तरीके से भी ये जो है वर्क करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका ऑफसेट हम ले लेते हैं यहाँ पे, हो गया। और अब जो है हमें ये आपने ये आपको अब पता चल गया होगा कि ये सब क्या है, ठीक है। और अब जो है आपको लास्ट एक चीज़ और दिख रहा होगा, वो है मेमोरी राइट BM, यानी कि जो है यहाँ पे अब आपकी जो है एडिट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है आपका एडिट वैल्यू कॉपी करना है, यहाँ पे मेरा एडिट वैल्यू जो है सिंपली 0 है, आपका जो है आपके हैक के ऊपर डिपेंड करता है, सपोज़ आपका जो है दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि ये देखो ये एक और फंक्शन है एम बॉट, जिसका जो है एडिट वैल्यू जो है 999 है, तो आप जो है उसे कॉपी कर लेना सिंपली एडिट वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे ये जो है 999 है, आप इसको जो है सिंपली कॉपी कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो है हमको अपने इस कोड का जो है कॉपी करना है, ठीक है। तो ये जो है 0 है बेसिकली, तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, मैं चाहता तो इसमें जो है सिंपली 0 भी डाल सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो है वही रीज़न है इंग्लिश व्यूअर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है मैं सिंपली डी वर्ड को जो है फ्लोट कर दूंगा, क्योंकि ये जो है दूसरा वैल्यू है, फ्लोट, ठीक है। और डन, हमारा जो है CPP बन चुका है। और लास्ट एक चीज़ आपको ये दिख रहा होगा, क्लियर रिजल्ट्स, जो हम gg.clear results लगाते हैं सारे रिजल्ट्स को हटाने के लिए, सेम यहाँ पे जो है सिंपली क्लियर रिजल्ट्स का यूज़ होता है, ठीक है। और अब हो चुका है, और अब आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे CPP एक लास्ट टैप करना है आपको, कंपाइल के बटन पे जो है सबसे पहले जो है टैप करना है, ये जो कंपाइल आपको दिख रहा है इस पर, और ऐसा मैसेज आएगा सक्सेसफुली कंपाइल्ड, जब आपने अगर जो है अच्छे से किया होगा। और यदि आपको कोई एरर आता है, यानी कि जो है आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कंपाइल कर लेने के बाद यहाँ पे जो है 3 डॉट्स के अंदर जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट, और इसमें क्या करना है, एक्सपोर्ट बाइनरी इंस्टेड ऑफ APK, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसमें आपको चेक करना है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है पाथ डाल देना है, जिस पाथ के अंदर आपको जो है इसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और जिस नेम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक जो है सिंपली क्या करूँगा, एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसी फोल्डर के अंदर जो है हम क्या करेंगे सिंपली इसको, नहीं नहीं मैं दूसरे फोल्डर के अंदर इसको जो है एक्सपोर्ट करता हूँ, my_CPP, इस फोल्डर के अंदर जो है मैं इसे एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली क्या करना है आपको, MT Manager में आना है, और यहाँ पे आपको जो है दबाए रखना है, ठीक है, लोकेशन कॉपी करने के लिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको जो है यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देना है। और उसके बाद अब आपका जो है पाथ पेस्ट कर लेने के बाद आपको अपने CPP का जो है नेम डालना है, तो ये जो है एक लेस रिकॉइल ऑन के लिए जो CPP है, तो इसको मैं सिंपली लेस रिकॉइल ऑन डॉट CPP, ठीक है, या इस
या फिर जो है सिंपली lr on .cpp डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा ये बड़ा ना हो, ठीक है। तो और उसके बाद आपको सिंपली ओके पे जो है क्लिक करना है, और यहाँ पे अब आप देखोगे आपका जो है cpp जो है यूज़ करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे इंक्रिप्शन भी हो गई है इसकी। ये इंक्रिप्शन नहीं है, सिंपली जो है क्या है, यहाँ पे आपने जो है इसे मेमोरी टूल्स डॉट एच के साथ कंपाइल कर दिया है, और यहाँ पे जो है क्या किया है हमने, इसको जो है एक एपीके के एक एपीके बनाने की जगह हमने क्या किया है, इसको सिंपली जो है एक बाइनरी फाइल में जो है एक्सपोर्ट कर दिया है, और इसको अब जो है आप इंजेक्टर में जो है अपने जैसे हम शेल रन करते हैं वैसे ही इसको आप रन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो cpp है यूज़ करने के लिए रेडी है। और अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सपोज़ आपको अगर ऑफ़ का cpp बनाना है, यानी कि टर्न ऑफ़ करने के लिए जो है cpp बनाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मेमोरी राइट यानी कि जो ये एडिट वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ठीक है, इसको सिंपली क्या करना है आपको, आपका जो भी एडिट वैल्यू होगा इसे कॉपी करना है और इसे जो है रिप्लेस कर देना है आपके जो है ऊपर के जो है सर्च वैल्यू के साथ। यहाँ पे जो है मैं सर्च वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफ़ करने के लिए जो है cpp बना रहा हूँ कि कैसे बता रहा हूँ कि आप कैसे जो है इसे ऑफ़ करने का cpp बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी राइट पे आपको जो है इसका वैल्यू डाल देना है सिंपली, ठीक है, जो ऊपर था उसको, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो ऊपर आपका जो एडिट वैल्यू था उसको ऊपर में डाल देना है, जैसे कि ज़ीरो था उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आपका जो है अब cpp रेडी है। सबसे पहले आप इसको जो है कंपाइल कर लो इस बटन पे दबा के, उसके बाद अब आप जो है इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है मैं इसमें जो है पाथ वगैरह जो है डाल देता हूँ जिस पाथ में मेरे को जो है इसे एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ पे जो है LR ऑफ यानी कि लेस रिकॉइल ऑफ, ठीक है, तो मैं जो है इसे डाल देता हूँ इस तरीके से, और डन, आपका जो है cpp जो है बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है cpp बना सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। होप कि आप लोगों को जो है कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है तो मेरे को जो है पूछ लो। और बस बाय।